नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन किन कई स्तरों पर होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे स्तर हैं। तो पहला स्तर है दोस्तों केंद्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन, और दूसरा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन, और फिर उसके बाद है दोस्तों जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं दोस्तों। जैसे पहला क्षेत्र है संचार, मतलब संचार आपदा प्रबंधन में अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। संचार साधनों के माध्यम से जागरूकता प्रचार प्रसार तथा आपदा प्रतिक्रिया के समय आवास सूचना व्यवस्था के माध्यम से काफ़ी सहायक हो सकता है। दूसरा सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपदा के प्रभाव को कारगर ढंग से करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका उपयोग पहला है दोस्तों शीघ्र चेतावनी रणनीति को विकसित करना, दूसरा विकास योजना बनाने एवं लागू करने में, तीसरा संचार और सुदूर चिकित्सा सेवाओं सहित संसाधन जुटाने में, चौथा पुनर्वास एवं आपदा पश्चात पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किया जा सकता है। तीसरा दोस्तों भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर भूगोल और कंप्यूटर द्वारा बनाए गए मानचित्रों का उपयोग स्थान आधारित सूचना के भंडार के समन्वय एवं आकलन के लिए रहता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग वैज्ञानिक जांच, संसाधन प्रबंधन तथा आपदा एवं विकास योजना में किया जा सकता है। आपदा नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका, भूकंप बाढ़ आंधी तूफान में एक व्यक्ति क्या प्रबंध कर सकता है, इसका आपदा के संदर्भ में निम्नलिखित भूमिका सुझाई गई है। पहली भूमिका है दोस्तों भूकंप के समय व्यक्ति की भूमिका, ऐसे समय में बाहर की ओर ना भागें, अपने परिवार के सदस्यों को दरवाजे के पास टेबल के नीचे या यदि बिस्तर पर बीमार पड़े हों तो उन्हें पलंग के नीचे पहुंचा दें। खिड़कियों व चिमनियों से दूर रहें, घर से बाहर हों तो इमारतों, ऊंची दीवारों या बिजली के लटकते हुए तारों से दूर रहें, क्षतिग्रस्त इमारतों में दोबारा प्रवेश ना करें। भूकंप का भी पूर्वानुमान लग सकेगा, टीवी रेडियो इंटरनेट से जहां तक संभव हो जुड़े रहें। अधिक वर्षा और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा के पूर्वानुमान के बाद अब भूकंप की भी भविष्यवाणी की जा सकेगी, लेकिन इसका पता कंप्यूटर पर काम कर रहे व्यक्ति को सिर्फ कुछ सेकंड पहले ही लग सकेगा। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US जियोलॉजिकल सर्वे तथा कैलिफोर्निया के खनिज और भूभागीय विभाग के भूकंप शास्त्री लगातार भूकंप की ऑनलाइन पर भविष्यवाणी कर सकने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपातकाल में ऐसे आंकड़े भेजेगा जिससे कंप्यूटर यूजर्स एक ईमेल भेजा जा सकता है। ट्राइनेट का लक्ष्य है कि 600 शक्तिशाली गति सेंसर और 150 बड़े इंटरनेशनल मिलकर आने वाले भूकंपों के बारे में लोगों को सूचित करें। अगर ट्राइनेट अपने प्रस्तावित कार्य को करने में समर्थ हुआ तो कैलिफोर्निया भूकंप क्षेत्र का निरीक्षण कर सकने वाला पहला राज्य होगा। इस प्रकार भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की क्षमताएं विकसित हो चुके हैं। संक्षेप में कैलिफोर्निया के खनिज और भूगर्भीय विभाग के प्रमुख जिम डेविड कहते हैं कि सेंसर पृथ्वी थरथराने जैसे घटना के तुरंत बाद कंप्यूटर के जरिए सूचना देने में सक्षम होगा। वाहन में हो, यदि कार या बस में सवारी करते समय आपको भूकंप के झटके महसूस हों तो चालक से वाहन को एक तरफ करके रोकने को कहें, वाहन के भीतर ही रहें। घरों में हों, जितनी जल्दी हो सके चूल्हे आदि सभी तरह की आग बुझा दें, हीटर बंद कर दें। यदि मकान क्षतिग्रस्त हो गया तो बिजली गैस व पानी बंद कर दें। यदि घर में आग लग गई हो और उसे तत्काल बुझाना संभव ना हो तो तत्काल निकलकर बाहर जाएं। यदि गैस बंद करने के बाद भी गैस के रिसाव का पता चले तो घर से फौरन बाहर चले जाएं। पानी बचाएं, आपातकालीन स्थिति के लिए सभी बर्तन भरकर रख लें, पालतू जानवरों को खोल दें। बाढ़ के समय व्यक्ति की भूमिका, बाढ़ की पूर्व सूचना और सलाह के लिए रेडियो सुने। यदि आपको बाढ़ की चेतावनी मिल गई हो या आपको बाढ़ की आशंका हो तो बिजली के सभी उपकरणों के कनेक्शन अलग कर दें तथा
अपने भी मूल्यवान और घरेलू सामान कपड़े आदि को बाढ़ के पानी की पहुंच से दूर कर दें। खतरनाक प्रदूषण से बचने के लिए सभी कीटनाशकों को पानी की पहुंच से दूर ले जाएं। यदि आपको घर छोड़ना पड़ जाए तो बिजली व गैस बंद कर दें। वाहनों, खेती के पशुओं और ले जा सकने वाले सामान को निकट के ऊंचे स्थान पर ले जाएं। यदि आपको घर से बाहर जाना पड़े तो घर के बाहरी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। कोशिश करें कि आपको बाढ़ के पानी में पैदल या कार से चलना ना पड़े। बाढ़ग्रस्त इलाकों में अपनी मर्जी से कभी भटकते ना फिरें। तो उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।